इस्तांबुल से खबर शामिल करते हैं, जहां पर सिरिया में एक चर्च पर दो नकाबपोश बंदूक बरदारों के हमले से एक शख्स हलाक हो गया। तुर्की के वजीर दाखिला अली यरलिकाया ने एक्स पर एक बयान पोस्ट किया, जिसमें यरलिकाया ने बताया है कि इतवार के रोज सांता मारिया चर्च में इबादत के दौरान हमला मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11:40 बजे के करीब किया गया। आलमी मीडिया के मुताबिक तुर्की के वजीर दाखिला ने इस खनौने हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि बड़े पैमाने पर तश्वीश शुरू कर दी गई है और हकाम दोनों हमला आवरों को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। हमले की वजह मालूम नहीं हो सकी। तुर्की के वजीर इंसाफ टैंक ने भी हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि डिप्टी चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और दो दीगर सरकारी वकीलों को वाकई की तहकीकात सौंप दी गई है। हमला करने वाले मुश्तबा अफराद की शिनाख्त और गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। तफ्तीश कसीर जहती और महतात अंदाज में की जा रही है।